हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कच्चे केले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही पौष्टिक है और बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड, तो कच्चे केले की ये रेसिपी हमें किस तरीके से रेडी करनी है, देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें इस रेसिपी को रेडी करने के लिए यहाँ पर केले चाहिएंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 केले ले लिए हैं और अब हमें इसको इस तरीके से काट लेना है, आगे की साइड से और पीछे की साइड से, दोनों तरफ से इस तरीके से हम काट लेंगे केले को। तो सारे केले आप इस तरीके से काट लीजिए और फिर हमें यहाँ पर एक कुकर लेना है और कुकर में हम केले के 2 पीस करके कुकर में डाल देंगे। सारे केले को 2 ही पीस करना है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं करना है। अगर केले छोटे हैं तो आप यहाँ पर उनको काटिएगा नहीं, ऐसे ही डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक आलू, आलू को भी कट करके डाल देंगे। और यहाँ पर मैं 1 से 1.5 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। और अब हमें इसकी सीटी लगानी है, तो आप यहाँ पर 1 से 2 सीटी ले लीजिए, ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, वरना जो हमारे दही बड़े हैं अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 सीटी ले लेनी है आपको हाई फ्लेम पर। और फिर तो यहाँ पर जो है हमने सीटी ले ली है, अब हमें यहाँ पर कुकर ठंडा करके केले जो है हमको निकाल लेना है इसमें से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केले अच्छे से उबल चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं केले सारे निकाल लूँगी बाहर और फिर हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको छीलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गरम गरम आप इसको नहीं छीले वरना ये अच्छे से इसे। तो आप यहाँ पर सारे केले इस तरीके से निकाल लीजिए कुकर से बाहर और फिर आप इन सबको ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद, अच्छे से ठंडे हो जाए उसके बाद आप इनको सबको छील लीजिए। तो आलू हमने इसमें यूज़ किया है, आलू से जो है हमारे दही बड़े जो है, दही बड़े का जो हम बैटर रेडी करेंगे बहुत ही अच्छा होगा और हमारे दही बड़े जो है बिल्कुल भी तेल में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं सारे केले को और आलू को हम इस तरीके से मेश कर लेंगे हाथों से। आप यहाँ पर मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों से अच्छे से मेश हो जाएगा, इसलिए आप हाथ से ही इसको मेश कीजिएगा। तो यहाँ पर सारे केले को मैंने अच्छे से मेश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नमक इसमें ऐड करना है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ, ज़्यादा भी आपको नमक यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर मैं बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारे दही बड़े जो है बहुत ही सॉफ्ट हो और बहुत ही अच्छे बने, इसके लिए हम यहाँ पर बेसन यूज़ कर रहे हैं। ये घर का बेसन है, तो आप यहाँ पर मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आपको बेसन डालना है, ज़्यादा नहीं डालें वरना अच्छे नहीं बनेंगे दही बड़े। ऊपर से थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, आप यहाँ पर अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से बेटर में इन सारी चीज़ को मिक्स कर लीजिए और इसका डो रेडी कर लीजिए। आप इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही हमें इसको लगाना है। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दूँगी, ऑयल आपको ज़्यादा या कम यूज़ नहीं करना है। ऑयल से जो है बहुत ही अच्छे हमारे जो है, हम यहाँ पर लोई रेडी करेंगे, दही बड़े बनाएंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर जिस प्लेट में, जिस बर्तन में आपको दही बड़े रखना है लोई करके, उस बर्तन में आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिए, ताकि उसका शेप ना बिगड़े और अच्छे से ये सारे जो हैं हम तेल में फ्राई करें, तब अच्छे से फ्राई हो जाए। बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा आप इसका आटा लगा लीजिए इस तरीके से। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लोई बनानी है और इस तरीके से आप लोई बनाकर रेडी कर लीजिए। जिस भी शेप में आप देना चाहते हैं दही बड़े, उस शेप में आप दही बड़े रेडी कर सकते हैं, छोटे या बड़े अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने गैस पर तेल गरम रख दिया था, तो चलिए हम देख लेते हैं, तेल गरम हो चुका है। आप इस तरीके से चेक कर लीजिए कि आपका तेल गरम हुआ है या नहीं। तो तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, वरना दही बड़े जो है चिपक जाएंगे। और यहाँ पर एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फ्रेंड ये है कि आपको सारे दही बड़े जो है एक एक करके डालने हैं, यहाँ पर सारे एक साथ नहीं डालने हैं। और इस तरीके से आपको हाथ में ऑयल लगाकर एक बार और इसको रोल रोल करके फिर डालना है, ताकि चिपके ना।
तो इस तरीके से मैं सारे दही भड़े जो इसमें डाल दूंगी एक एक करके, और फ्लेम जो है आपको मीडियम ही रखना है, तेल ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ किसका कलर कितना प्यारा आया है। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई होते हुए। तो यहाँ पर हमारे दही बड़े जो रेडी हैं, आप इसको स्नैक्स के रूप में ऐसे भी खा सकते हैं, में बनाकर बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको सॉस या चटनी के साथ में सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम इसको ठंडा कर लेंगे ऑयल से निकाल कर। तो यहाँ पर जो है हमारे दही बड़े रेडी हैं, चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ठंडा दही लिया है, और दही जो है आपका पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए ताकि आप खाते समय बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको दही बड़े के साथ में। तो यहाँ पर आप इसको स्नैक्स के रूप में ऐसे भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाइए और बहुत ही गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हम दही बड़े रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा लेना है, और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे दही में, और दही के साथ अच्छे से इसको दही में मिक्स करेंगे। दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये, तो दही के साथ में हम इसको अच्छे से लपेट लेंगे और फिर आप इस तरीके से रख दीजिएगा। तो सारे दही बड़े मैं ऐसे ही रेडी करूँगी, दही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा और दही इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि ये खाने में बहुत ही अच्छा लगे। और यहाँ पर मैं चटनी यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर इमली खजूर की चटनी यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल दूँगी। जीरे को आप तवे पर भून लीजिए, उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए। थोड़ा सा और दही और थोड़ी सी और चटनी में डाल दूंगी। आप यहाँ पर हरी वाली चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, पुदीने की चटनी यूज़ कर सकते हैं, धनिया की चटनी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यम्मी सा दही बड़ा रेडी है, बहुत ही हेल्दी हमारे हेल्थ के लिए। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।